बाबा रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट्स को आजकल हर कोई पसंद कर रहा है और शायद दिल्ली के चोरों की भी ये पहली पसंद बन गई है। इसीलिए तो नॉर्थ दिल्ली के शक्ति नगर इलाके में चोरों ने पतंजलि की एक ही दुकान में दो बार चोरी कर ली है। जी हाँ, ये सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं ये पतंजलि स्टोर के बाहर की है, जहाँ दो चोर दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे को किसी पड़ोसी ने बताया कि ताले टूटे हुए हैं, तो हम यहाँ तकरीबन 8 बजे आ गए। फिर 100 नंबर पे हमने कॉल किया, पुलिस वाले आए तो उनके सामने हमने ये खोला। आखिर चोर ताला तोड़ने में कामयाब हो गए, तो चलिए अब आपको दुकान के अंदर के कैमरों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ दो चोर बहुत फुर्सत से पतंजलि के सामान को बोरों में भर रहे हैं। और जरा ये देखिए कैसे एक चोर प्रोडक्ट पर लिखा रेट चेक कर रहा है, क्योंकि इन चोरों का मकसद ही था सिर्फ महंगा सामान चुराना, जिसके चलते इन्होंने स्वर्ण कांति क्रीम और देशी घी पर ही हाथ साफ किया और तकरीबन 1 घंटे तक इस चोरी को अंजाम दिया। कीमती सामान है, तकरीबन 10 लाख रुपए का सामान गायब है और गल्ले में जो पैसे थे वो गायब। दुकान से लगभग 10 लाख तक का सामान और 8,000 तक की नकदी चुराई गई है। इस दुकान की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ हुआ नुकसान दुकानदार के लिए छोटा मोटा नहीं है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों नकाबपोश चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुमताज खान के साथ आनंद कुमार, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।